हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यारो, एक मार्केट में ना बात चल रही है कि जैसे नकली दारू पीने से इंसान की मौत हो जाती है, वैसे ही 10% इथेनॉल वाले पेट्रोल से हमारे इंजन की मौत भी हो सकती है। तो क्या ये बात सच है, क्या ये बात झूठी है? तो इस बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा इथेनॉल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इथेनॉल आज की डेट में इतना ज़्यादा डिस्कशन का मुद्दा क्यों बना हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी जरूरी जरूरी जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। देखिए, 0-5% जो इथेनॉल है वो काफ़ी टाइम से हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, कई लोगों को नहीं पता है, लेकिन E5 का मतलब 5% इथेनॉल ही होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यार, अब ये कहा जा रहा है कि सभी पेट्रोल पंप में, मतलब मैक्सिमम इंडिया में, अब 10% इथेनॉल वाला ही पेट्रोल हमें मिलने वाला है। तो यार, जैसे जैसे मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही पेट्रोल में इथेनॉल की जो मात्रा है वो भी बढ़ती जा रही है। अब इसी के साथ यूट्यूब में कहें, सोशल मीडिया में कहें, एक अफवाह चल रही है कि जो 10% इथेनॉल है वो हमारे इंजन को डैमेज कर सकता है, क्योंकि जो हमारे इंजन बने हैं वो 10% इथेनॉल के हिसाब से नहीं बने हैं, तो दैट्स वाई हमारा जो इंजन है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये जो बात है वो 100% गलत है, झूठी है। 2008 में, यानी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब ये रूल आ चुका था कि जितने भी ट्रक हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, सब के जो इंजन है वो एटलीस्ट, मतलब इस तरीके से बनाए जाएंगे जो 10% इथेनॉल को ईजिली हैंडल कर सकें। तो यानी 2008 के बाद अगर आपने कोई बाइक लिया, स्कूटर लिया, कार लिया, तो आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इंजन 10% इथेनॉल को इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उससे पुराने जो इंजन है उनकी तो वाट लग जाएगी। ये तो था डायरेक्टली इंपैक्ट, अब बात करते हैं इनडायरेक्टली। अब देखिए, इनडायरेक्टली का ये कह सकते हैं कि यार, जो इथेनॉल है वो पानी के कांटेक्ट में आते ही पानी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाटर के कांटेक्ट में आते ही वाटर बन जाता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब टैंक के बाहर पानी गिर रहा है तो आपका अंदर का जो पेट्रोल है, बेसिकली इथेनॉल है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आपके टैंक के अंदर पहले से ही कुछ परसेंट पानी है, या फिर आप कोई पेट्रोल डालते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में जो आपका इथेनॉल है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी अगर आपके टैंक के अंदर पानी है तो ही आपका जो इथेनॉल है वो पानी में कन्वर्ट हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने अपने टैंक में 10 लीटर पेट्रोल डलवाया, इसी हिसाब से मान लीजिए कि 10% आपका हो गया इथेनॉल। अब मान लीजिए आपके टैंक में किसी तरीके से, या पहले से पानी हो या अलग से पानी थोड़ा बहुत, अगर मान लीजिए 100 ml भी पानी चले जाएगा, तो आपके टैंक में जो 10% इथेनॉल है, यानी 1 liter इथेनॉल है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी इंजन की तो वाट ही लग जाएगी। के चलते ही JNK में जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन जिस चीज की उम्मीद थी वही हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो भैया, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ से भी आप पेट्रोल डलवाएं, ध्यान रखें कि वहाँ पे पानी की, मतलब पेट्रोल में पानी ना हो, टैंक में आपके पानी ना हो, टाइम टू टाइम अपने टैंक को क्लीन कराते रहें, मतलब ध्यान रखें कि आपके टैंक में 1% भी पानी नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जितना मर्जी संभल के चल लीजिए, एक आपका हरामी फ्रेंड होगा ना, वो आपको हमेशा ही ले डूबेगा। उसी तरीके से आप जितना मर्जी अपने टैंक को क्लीन रख लीजिए, जितना मर्जी इस चीज़ की एहतियात बरत लीजिए, लेकिन हमारे देश में पता है क्या, मैक्सिमम पेट्रोल पंप में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, कैरोसिन की मिलावट होती है, और आपको पता ही है कैरोसिन किस तरीके से मिलाया जाता होगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि थोड़ा बहुत पानी जा सकता है। तो यानी अगर आपके पेट्रोल में ही पहले से ही पानी होगा तो आप टैंक में क्या कर लोगे? मत तो इतनी प्रॉब्लम जैसे कम नहीं थी, हमारे मोदी जी और प्रॉब्लम लेके आ गए। इंडिया ने एक टारगेट सेट किया था कि 2030 तक हम इथेनॉल को 20% तक बढ़ा देंगे, लेकिन इस टारगेट को अब 2025 तक कर दिया, मतलब 5 साल पहले ही वाट लगने वाली है। यानी अब 2025 में ही हमारे पेट्रोल में 20% इथेनॉल हो जाएगा। तो यार, ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ राहत भी है। यहाँ पे दो तरह के पेट्रोल होंगे, बेसिकली अगर आप पेट्रोल पंप की बात करें तो वहाँ पे दो तरह के डिस्पेंसर लगाए जाएंगे, जिसमें 5-10% का एक होगा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन होगा 20% इथेनॉल का। अब यहाँ पे एक अच्छी है, जो भी 20% इथेनॉल वाले इंजन होंगे, जो भी 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाएंगे, उनका जो प्राइस होगा, बेसिकली उस पेट्रोल का जो प्राइस होगा, वो काफी ज्यादा कम होगा एज कंपेयर हमारे पेट्रोल से। तो भाई, कुछ लोग खुश हो गए होंगे कि भाई अब 10% इथेनॉल हो गया तो थोड़ा बहुत प्राइस कम भी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारी गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाएगी, कम नहीं करने वाली है। तो यानी जो 10% इथेनॉल वाला पेट्रोल है, उसका प्राइस किसी भी एंगल से कम नहीं होने वाला है।
तो देखिए इतनी सारी बातें करके मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया, तो अब सबको मैं कवर अप कर लेता हूँ, तो यानी कुछ अच्छी बातें भी कर लेता हूँ इथेनॉल के बारे में। देखिए इथेनॉल गन्ने से बनता है, तो गन्ना कौन उगाता है? फार्मर्स उगाते हैं, तो फार्मर्स को ऑब्वियसली बात है इस गन्ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, यानी इथेनॉल बनने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, उनको गन्ने की अच्छी कीमत मिल सकती है, तो ये एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरे बेनिफिट की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली है, यानी अगर आप इथेनॉल को यूज़ करते हैं तो आपके इंजन से लेस कार्बन निकलता है, तो ये मतलब नेचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओवरऑल एंड में मैं ये कहूँ तो मेरा मानना ये है कि अगर इथेनॉल को ठीक ढंग से यूज़ किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इंडिया में जैसे मिलावट काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से इंडिया के लिए तो ये सही नहीं है। अब देखिए ब्राज़ील की मैं बात करूँ, काफ़ी देशों की बात करूँ, इवन ब्राज़ील की मैं पहले ही बात कर लेता हूँ, वहाँ पे 85% आपका इथेनॉल यूज़ होता है, यानी उनके इंजन इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं कि वो 85% इथेनॉल को भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 10% ही कर सकते हैं और इन फ्यूचर 20% तक ही कर पाएंगे। और काफी कंपनियां ऐसी हैं जैसे TVS होगी, आपका टाटा होगी, वो ऐसे इंजन में काम कर रही हैं जो 85% इथेनॉल को भी हैंडल कर सकें, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेट्रोल पंप में ही इतनी ज्यादा मिलावट होती है कि इस चीज को मतलब प्रैक्टिकली करना बहुत ज्यादा मुसीबत वाली बात है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियोस नॉलेजेबल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाले बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।